ब्लैक आइस है, गाड़ी स्किड कर रही है यहाँ पर। एक तो हमारा स्ट्रेट ये जा रहा है रूट, और सेकंड वन ये जा रहा है। तो हम लोग सोच रहे हैं इस वाले रूट को पकड़ के देखते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। बस हाँ, वो जानबूझ के उंगली ले रहे हैं। भाई 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 भाई, उतर जाओ। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बेताल बाताल, जो भी नाम है, बट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है, क्योंकि यार आप माउंटेंस देखो। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, इस ब्यूटी को मैं आउट नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि मैं नाइट में जब मैं इसको देख रहा था तो बड़ी शानदार लग रही थी यार। अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 4:30, और यहाँ पे सब कुछ क्लोज है, सिर्फ मैं ही जागा हुआ हूँ। अभी अरविंद को जगा लेंगे, क्योंकि चाय वगैरह लेके हम लोग चंद्रताल के लिए निकलेंगे, क्योंकि वहाँ की ऑफ रोडिंग ज़्यादा खतरनाक है, ब्लैक आइस वगैरह भी मिलेगी, तो हम लोगों को सेफली राइड करना है। तो समथिंग मैं सोच रहा हूँ 7 बजे तक मेरी राइड हो जाए स्टार्ट, उसके बाद हम लोगों को पेट्रोल वगैरह भी अरेंज करना है, दैन निकलता, क्योंकि पेट्रोल बाइक में बिल्कुल भी नहीं है। गाड़ी बहुत ज़्यादा ठंडी है, गाड़ी कोल्ड स्टार्ट वगैरह करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अरविंद भाई आ चुके हैं। अरविंद भाई, फ़ोन चालू आपका? नहीं, मेरा बंद हो गया। तो भाई ये ट्रेजेडी हमारे अरविंद भाई के साथ ज़्यादा हो रही है, क्योंकि इनका फ़ोन बार बार स्विच ऑफ हो रहा है, क्योंकि कोल्ड वेदर ज़्यादा है, दैट्स इतना ज़्यादा इशू क्रिएट कर रहा है। मैंने बहुत ज़्यादा अप्रोच किया मेरे भाई को उठाने के लिए, फाइनली ये उठ गया। 1 hour later भाई, सर्चू के बाद ये दूसरा प्लेस है जहाँ पर मुझे इतना ये मिला है आइस वगैरह। आइस है क्या ये? हाँ, ये देखो आइस है, इसके ऊपर बैठ के जाऊँगा क्या? अरे नहीं यार, साफ हो तो गया। हमारे भाई लोग सोच रहे हैं, हमारे दोनों भाई उस माउंटेन को कॉन्कर करने जा रहे हैं, ये लोग, इनका प्लानिंग ये है। और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव भाई रिटर्न टाइम में जो है वो ये है, पेट्रोल अचीव करना है। दो लोगों से अभी मैनेज हो सकता है, कोशिश करते हैं। एक तो हमारे ये वाले दानवीर भाई, एक 1 लीटर एक वाले भाई, और एक टेंट में वो सो रहे हैं, 2 लीटर उनसे लेना है। तो कोशिश पूरा करेंगे 4 लीटर मैनेज हो जाए। तो मुसीबतें क्या क्या दिखा देती हैं जी, देखो। अब ऐसे अपने होम टाउन में मांग रहे हो तो कोई कहता चल जा पेट्रोल पंप से डालवा ले जाकर। 1 लीटर इस बाइक से लिया, 1 लीटर इस बाइक से लिया, मैंने मुंह से सक करके निकाला, पूरा मुंह में पेट्रोल आ गया, ऐसा लग रहा मैंने कुछ टेस्ट ले लिया, पहली बार पेट्रोल का टेस्ट भी आ गया, गंदा था। ये भी अपना एक अलग एक्सपीरियंस है, और ये मेरा सब फर्स्ट टाइम हो रहा है कि जो मैंने गलती छोटी सी कर दी है, पेट्रोल फिलिंग नहीं कराया बस टाइम से, करा लेता तो ज़्यादा सही रहता। हुआ है ऊपर, ये हमारे भाइयों ने बहुत हेल्प की थी पेट्रोल के लिए। A few moments later. चलो ना फिर। मेरा प्लान ये है कि थोड़ी सी धूप निकले तो ये सब यहीं सूखता रहेगा, मेरे कपड़े वपड़े। चंद्रताल ऐसे बिना बैग के बाइक पे होके आएंगे, बाइक वापस लाएंगे, ये सब रैप अप करेंगे, कहाँ से निकलेंगे। अतिक भाई ने हेल्प किया, पेट्रोल वगैरह इन्होंने दिया 1 लीटर, मतलब सबसे दान लिया जा रहा है बस, और कुछ नहीं। मेरे को ऐसा लगता है यार, हम सारे इतने अपने घर भर से दूर आए हुए हैं, जितना कर सकते हैं भाई कर लेते हैं। नहीं एक्चुअल में ना, जब भी हम लोग मतलब बाहर आते हैं, लद्दाख हुआ, स्पीति हुआ, ये सब प्लेस पर, अपने आप नेचुरली अंदर से हेल्प करने का मन करता भी है, और हम लोग करते भी हैं। तो इतना भरोसा है भाई, इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाता होगा भाई, जब से आया ना यहाँ पे इसने जान लगा रखी है बिल्कुल। सुबह 4 बजे भाई मुर्गे नहीं उठते, ये उठ के भाई बांगे मार रहा है कि भाई उठ गए, मैंने कहा हाँ भाई उठ गए। गाइस, अगर आप बाताल वगैरह आ रहे हो तो आप लोग चाचा चाची ढाबा पर ज़रूर स्टे करना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, चेयरफुल है, मतलब ओवरऑल बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये रहे हमारे चाचा जी, हमारी चाची जी। चलो मिलते हैं ना, बंद हुआ तो सोचेंगे, और आगे रहे भी तो रुकूंगा मैं। गाइस बार बार ऑजमो एक्शन बंद हो रहा है, इतना कोल्ड वेदर है, क्योंकि वो स्टार्टअप भी नहीं होता, बूट भी नहीं कर रहा है, क्योंकि इतने ज़्यादा बटन्स हार्ड हो गए हैं। गाड़ी स्टार्ट रखनी पड़ेगी, थोड़ी देर वार्म करना है, निकलने का फाइनल हो जाता है, बार बार ये गाड़ी ऐसा पुल कर रही है। कोशिश करते हैं जहाँ तक हो जाता है, अब चलना स्टार्ट करते हैं। कूलन टेम्परेचर में भी बढ़ जाए, अभी 60 पे टच नहीं कर रहा है, 60 टच कर गया, धीमे धीमे करके ग्रो करेगा। अरे भाई कितना चल सकते हैं ये देखते हैं भाई, अब पेट्रोल इतना ही काजा तक पहुंच जाए, पेट्रोल कंजम्पशन बढ़ चुका है गाड़ी का। जो टेंशन होती है ना जब आप ऐसी जगह एडवेंचर के लिए आते हो और आपको हर चीज़ का सामना करना पड़ता है, अच्छा बुरा, तो सब कुछ देखने को आपको मिलता है। भाई देखो स्नो, शायद मे भी मॉर्निंग में सबसे पहले हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, और हमारे फ्रेंड्स वगैरह समथिंग मे भी 30 मिनट्स बाद आएंगे, उनको टाइम लगेगा, तो हम लोग सोच रहे हैं पहले हम लोग ही जा रहे हैं। ब्लैक आइस है, गाड़ी स्किड कर रही है यहाँ पर, हमारी बाइक को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है पूरे में, बस गाड़ी स्किड करेगी बहुत ज़्यादा। और सही रहा हम लोग थोड़ा अर्ली मॉर्निंग नहीं आए, क्योंकि अंधेरा था,
सेफ नहीं होता। गाड़ी स्किड करना स्टार्ट कर गई है, चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी यार। अब थोड़ा सेफ चढ़ते टाइम पे प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। भाई 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 बाइक का, ये तो मेरी लाइफ का फर्स्ट टाइम है जो मैं ये ब्लैक आइस वगैरह देख रहा हूँ। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के बाद बाइक थोड़ा चढ़ पा रही है, अदरवाइज बिल्कुल बेकार हो गई थी बाइक। हम लोगों को भाई थोड़ा सा सेफ राइड करना होगा क्योंकि ब्लैक आइस वगैरह देखने को मिल रही है। सो हमारी विल पावर कैसा काम करती है देखते भाई। ओ ब्लैक आइस फिर से, अरे यार, अरे 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 वाओ, पक्का माइनस टेम्परेचर होगा इस साइड। अभी ओनली क्रॉक्स में बाइक चला रहा हूँ, सॉक्स गीले हैं तो भाई कितनी सर्दी लग रही होगी, आप लोग समझ सकते हो यार कितनी बुरी तरह फट रही है करने में ऐसा। क्रॉक्स में पॉसिबल नहीं हो रहा बाइक चलाना, सॉक्स गीले हैं, शूज़ गीले हैं, बस ठीक है। बट यार देखो इस पे भी स्नो आ गई है यार, माइनस है टेम्परेचर इस साइड क्रॉक्स में, माइनस है। भाई सब जमा हुआ है यहाँ तो यार, मेरे पैर क्यों नहीं जमेंगे। पर मुझे सेफ बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा क्योंकि कोल्ड और बढ़ता जा रहा है, जबकि यार मॉर्निंग हो चुकी है ऑलमोस्ट, सनराइज़ भी ऑलमोस्ट हो चुका है, टेम्परेचर यहाँ माइनस पे है यार, कोल्ड डेजर्ट है यार पूरा। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, छोटी छोटी वाटर क्रॉसिंग जितनी भी हैं, वाटर पॉट्स जो बने हुए हैं सारे फ्रीज हैं यार, एक छोटा सा ऐसा नहीं है जो नॉर्मल हो। स्टार्टिंग में अच्छा लग रहा देखने में, बट अब यार फट रही है। चंद्रताल रुक जा, चंद्रताल सीधा चंद्रता इधर से ऐसा चले के लिए है भैया, चंद्रताल ही है, चले चंद्रताल यार, ठंड ऐसी है। मे बी चंद्रताल मुझे लगता है फ्रोजन मिलेगा, तो भी एक अलग चीज़ देखने को मिलती है, नया एडवेंचर होगा। A few moments later, हम लोगों ने थोड़ा सा सनराइज का फील लेने के लिए रुक गए हैं और प्रेजेंट टाइम में जो टाइम हो रहा है 7, तो मॉर्निंग का 7 बजे अच्छे टाइम से निकले हैं, मतलब जर्नी स्टार्ट सही टाइम पर की है। बट आप ये नोटिस करो स्नो किस तरीके से पूरा जम रहा है, मतलब जो भी पानी बॉडी पे लग रहा है वो भी जम जा रहा है। सॉक्स उतारने का बहुत मन कर रहा है कि शूज़ उतार दूँ, बट पता फिलहाल क्या सीन है, सीन ये है कि अगर मैंने शूज़ उतारे तो ये धूप में बैठने थोड़ा मेल्ट हुआ, मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ, जो भी स्प्लैश वगैरह बॉडी पड़ रहे हैं सारे फ्रीज हो रहे हैं, इतना ज़्यादा टेम्परेचर डाउन जा रहा है यहाँ पर। और सबसे बड़ी चीज़ ये मेरे सॉक्स जो मैंने पहन रखे वो भी वेट थे, जिस वजह से मुझे पता नहीं अंदर क्या हाल है, बट बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। सच में एक मन हुआ था गिव अप करने का, बट विल पावर कर दी करते हैं। बट सबसे बड़ा चीज़ वार्निंग साइन पता क्या है, गाड़ी में इंजन लाइट आने लगी है, जिसमें इंजन प्रॉब्लम लाइट होती है, वो RM5 version 4 में हमारे आ रही है, जबकि RM5 version 4 ही बिल्कुल लेटेस्ट है, फर्स्ट सर्विस हुई है, उसके बाद हम लोग ये राइड पर लेकर आए हैं और ये प्रॉब्लम इसमें अभी से फेस कर रही है, तो देखो अब क्या होता है। दोस्तों बेस कैंप सामने फाइनली आ चुका है और अरविंद भाई और हम लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले से ही हमारे रोड पर सीधे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है और हम लोगों को थोड़ा रिलीफ मिला कि बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी और पैर पूरे गीले हैं, तो पूरा मतलब टाइट होते जा रहे हैं, दर्द भी हो रहा है पैर में। हम लोग तो हेवन में आ गए यार, ऐसी रोड ज़्यादा अच्छी लगती है जिसके दोनों साइड्स पर माउंटेन्स होते हैं, सेंटर में रोड होती है, और किस्मत ज़्यादा अच्छी है कि हम लोगों को ऑफ रोड मिल गया। भाई भाई किस्मत बार बार साथ नहीं देती, पेट्रोल ख़त्म हो गया, हैंड फ्रीज हो गए, शूज़ वेट हो गए, सब हो गया भाई, सारे एक्सपीरियंस मिले जा रहे हैं, स्नोफॉल और मिल जाए मज़ा आ जाएगा भाई, कहीं पर भी मिल जाए फील आ जाएगा भाई। अरे यार ये बहुत बड़ा वाटर क्रॉसिंग है यार ये वाला, चंद्रताल से पहले सारे एक्सपीरियंस मिल रहे हैं, फ्रीजिंग का, अच्छी खासी वाटर क्रॉसिंग का। निकल गए प्यार से बेटे, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। A few moments later,
फिर से एक सिक्वेंस फंस गया है। यहाँ पे पूरा पूरा मड है और स्नो भी साथ में फ्रीज हो रखा है। गाड़ी निकालेंगे कैसे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जीप फंस चुकी है यहाँ पर। जिप्सी ऑफ रोडिंग करते 4x4 की गाड़ियाँ यहाँ से लौट के भी गई हैं शायद, और कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे करके निकाला भी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इधर जाऊँ या इधर जाऊँ। ट्राई करते हैं कहाँ जा सकते हैं, किस साइड नहीं हो पाएगा, इधर इधर पीछे खींचो, धक्का मारना ठीक है। बेटे निकल जा भाई, निकल जा प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज। हो गया आजा। अचीवमेंट, बैठो। फिर से दोबारा वही सीन हुआ है। अब जो कार वगैरह ग्रिप ग्रिप बना के गई है ना यहाँ से, उस ग्रिप को यूज़ कर रहे हैं। ये निकल गया गाइस। फाइनली हम लोग अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर आ चुके हैं, और यहाँ से पूरा ब्लॉकेज रखा है। बाइक वगैरह ले जा सकते थे बट बाइक निकालने की जगह नहीं बच रही है। हरकत करने का मन तो कर रहा है कि निकाल ले जाऊँ ऑफ रोडिंग करते हुए, बट यार चलो ट्रैक करना पड़ेगा। भाई बियर शेयर चल रही थी यहाँ तो लोगों की, इनसे फुल ऑन ऐश है। चलो हाँ स्किड हो रही गाड़ी, लगाया सामने है बहुत, देख लिया हाँ ब्लैक आए से। हाँ उतर जाओ उतर जाओ, पुश करो। ऐसे नहीं होगा, टायर फंस रहा है, रुक जाओ वेट वेट। चढ़ना चलो चल रहा है। ये पूरा आइस है हाँ, ओ पूरा ब्लैक आइस है, स्किड हो रहा है देखना। अरविंद को शुरू से आइस में खेल रहा था, उसको फाइनली चंद्रताल में स्नो पे एंजॉय कर रहा है। हम लोग आगे चल रहे हैं स्लोली 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 चंद्रताल। तू जो एक्सपीरियंस करना है ये कुछ चीज़ें हैं वो भी करने को मिल रही हैं, मज़ा आ रहा है। सोनमार्ग गुलमार्ग की याद दिला दी, इतना हैवी स्नो है यार। क्या आपको पूरा पूरा मड मड टाइप का लग रहा होगा, पूरी पूरी आइस है बिल्कुल क्रिस्टल की तरह। देखना जो होप कर रहे थे वही हुआ, चंद्रताल पूरा पूरा फ्रीज है। वो मजे आ गए भाई, मजे आ गए। अरे भाई खाने की जुगाड़ भी हो गई, मन की मिली है। हाँ चलो ट्रैक करते जा रहे हैं, यहाँ से ही पूरा करना है नहीं तो पूरा डाउनफॉल है। एक तो हमारा स्ट्रेट ये जा रहा है रूट, और सेकंड वन ये जा रहा है, तो हम लोग सोच रहे हैं इस वाले रूट को पकड़ के देखते थोड़ा अच्छा लगेगा। बस हाँ वो जानबूझ के उंगली ले रहे हैं वो चीज़ अलग है बट मज़ा आएगा देखते हैं। अगर सॉफ्ट हुआ तो करेंगे नहीं तो अदरवाइज नहीं करेंगे। सबसे बड़ा पता है क्या चीज़ अच्छी लग रही है, यहाँ पर कोई भी नहीं है डिस्टर्ब करने के लिए। ओके गाइस ये आराम से, पहले मैं जाता हूँ